वक्त समय हो चला है यार यार कि 25 तमाम फटाफट खबरों को जाने का, इन खबरों को विस्तार से जाने। तो चलिए इस वक्त की सबसे अहम सबसे बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हरियाणा में आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है। आज से पूरे प्रदेश में दौड़ेंगी बसें, सभी इंडस्ट्री चलाने की छूट, बाजार और स्टेडियम खुले रहेंगे और 250 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा हरियाणा अब ऑरेंज जोन में। और इसी के साथ जानते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। जैसा कि 24 घंटे की बात करें, हरियाणा में 15 नए केस आए हैं, वहीं 36 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अब तक हरियाणा में 930 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 596 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और रिकवरी रेट की बात करें तो हरियाणा में 64% से ज़्यादा हो गई है। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है, हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब ऑरेंज जोन, आज से प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए भी चलेंगी रोडवेज बसें। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा सरकार ने दी है छूट। और वहीं गुड़गांव से खबर आ रही है, कश्मीर के डोडा में शहीद जवान राज सिंह खटाना का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ताहिर अहमद भट्ट के एनकाउंटर कार्रवाई में शहीद हुए थे राज सिंह। और वहीं करनाल से खबर आ रही है, करीब 35 घंटे बाद बंद हो सकी टूटू ही आवर्धन नहर, रावर गांव में अब भी पानी भरा। और करनाल जिले के रावर ऊंचा समानावर गंजौगढ़ी में गांव के खेत भी जलमग्न, विधायक हरविंदर कल्याण बोले गांव में भरे पानी को जल्द पंपिंग सेट से निकाला जाएगा। और हिसार से बड़ी खबर है, बरवाला में सीसीआई की करीब 50,000 क्विंटल कपास में आग, करोड़ों रुपए का नुकसान, अचानक से लगी आग, कारणों का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा। और अंबाला से खबर आ रही है, लॉकडाउन फेज का पहला दिन, गृह मंत्री अनिल विज बोले केंद्र के पैरामीटर के हिसाब से प्रदेश के सभी 22 जिले ऑरेंज जोन में, राज्य में 100% इंडस्ट्री चालू होगी। और अगली खबर है मनरेगा को लेकर के, मनरेगा श्रमिकों को दोगुने से ज्यादा मिलेगा रोजगार, 1,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य, रजिस्ट्रियों के काम में आएगी रफ्तार, मंगलवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी रजिस्ट्री। सीएम मनोहर लाल ने दी मनरेगा की समीक्षा बैठक, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है जानकारी। और अगली खबर की बात करें, जरूरी काम के लिए खुले रहेंगे सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय, सोशल सेवा शिविर भी फिर से शुरू होंगे। और वहीं राहत की बात करें, मंगलवार से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होगी, हरियाणा ने 8 राज्यों से मांगी है इजाजत। वहीं अगली बड़ी खबर है, हरियाणा से 23 रेलगाड़ियां जाएंगी बिहार, 6 जाएंगी पश्चिम बंगाल, तो 8 ट्रेनें मध्य प्रदेश भी रवाना होगी। 20 से 26 मई के बीच इस ट्रेनों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जो अगली बड़ी खबर है, हरियाणा में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी के डीसी भी बदले गए हैं। और जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, निजी डॉक्टरों को N95 मास्क पीपीई किट सरकारी तौर पर मिलेगी, कोरोना ग्रस्त होने पर सरकार कराएगी इलाज। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, सरकार को 7,841 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। जी हां, अगली बड़ी खबर है, सोनीपत जिले से आ रही है, शराब घोटाला के मामले में किंग पिन भूपेंद्र को पीजीआई से मिली छुट्टी, एसआईटी ने दोबारा शुरू की है पूछताछ। यमुनानगर में कार्रवाई, अवैध शराब घोटाला मामले में रादौर के एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बड़ी खबर है झज्जर से है, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यूपी भेजे प्रवासी मजदूर, परिजनों से मिलने की खुशी में चमक उठे उनके चेहरे। और जी हाँ, जो अगली बड़ी खबर है, हिसार से है, सिरसा जाएगी आज 4 बसें, पहली बस सुबह 7:30 बजे होगी रवाना। और सोनीपत से खबर आ रही है, शहर में 54 दिन बाद आज से खुलेंगी दुकानें, निर्धारित दिन के आधार पर खोली जाएंगी दुकानें। और सिरसा से एक और बड़ी खबर है, बड़ी राहत भरी खबर है, सिरसा शहर सोमवार को कोरोना मुक्त हो गया है, सिरसा में अब कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं बचा है। रोहतक से खबर है, साइकिल विक्रेता ने जांच टीम देख ग्राहकों को तीसरी मंजिल पर भेजा, निगम ने नीचे उतार काटा 5,000 रुपए का चालान। महेंद्रगढ़ से भी खबर है, खातोली जाट में 280 की स्क्रीनिंग, और कोरोना मरीज के
परिजन समेत 21 के लिए गए हैं सैंपल। और भिवानी के तोसाम से खबर आ रही है, टमाटर उत्पादक किसानों के धरने पर पहुंचे अभय चौटाला, बोले जरूरत पड़ी तो करेंगे आंदोलन। और पानीपत से खबर आ रही है, समालखा में सील किए गए एल1 गोदाम से शराब चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए पूर्व विधायक राणा की जमानत याचिका कोर्ट ने की है खारिज। जो अगली बड़ी खबर है, श्रमिकों पर नहीं चलेगा पुलिस का डंडा। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे में डीजी को हिदायतें जारी करते हुए सभी जिलों में व्यवस्था बनाने के दिए हैं आदेश। और कुरुक्षेत्र से खबर है, सीओ की शिकायत पर सुलभ संस्था के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। कैथल से एक और बड़ी खबर है, नगर परिषद द्वारा दुकानें सील करने से संबंधित कार्रवाई के विरोध में जनता मार्केट के दुकानदारों ने लगाया है जाम। और अगली खबर है चरखी दादरी से है, लॉकडाउन 4 के पहले दिन के बाजारों में खूब रही चहलकदमी, 2 करोड़ का हुआ है कारोबार। और इसी के साथ जींद से खबर आ रही है, आखिरी खबर है, बठिंडा से पैदल चलकर जींद पहुंचे 26 मजदूर, जींद प्रशासन ने की है घर पहुंचाने की व्यवस्था। तो जैसा कि आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरों को पेश किया, खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।